नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की धनिया मंडी में मौजूद हैं और धनिया की आवक किस तरह की हो रही है, किस तरह के दाम चल रहे हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए नीमच के प्रसिद्ध जो व्यवसायी हैं मित्तल जी, नवल जी मित्तल हमारे साथ हैं। नवल जी मित्तल समय समय पर अपने इंटरव्यू के माध्यम से बाज़ार की व्यवस्था को लेकर अपडेट करते रहते हैं। आज फिर हम अपडेट होने आए हैं किस तरह का मार्केट है, इन्हीं से जानेंगे। भाई साहब नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। धनिया क्या कह रहा है? धनिया तो जितने भी धनिया के व्यापारी हैं या जो भी धनिया से संबंधित लोग हैं वो तो पूरी तरह से वो तो दीवाने हो रहे हैं कि धनिया इस साल हो सकता है हमारा 150 बिक जाएगा, कोई 100-200 कहता है, कोई कहता 30 अप्रैल को 100 हो जाएगा। अब सबकी अपनी अपनी धारणा है। देखो, बोलने का तो पैसा लगता नहीं है। माल खरीदो और खरीद के नीचे जब लगाओ अपने गोडाउन में तब उसका पैसा लगता है, तब हारजीत होती है। पहले मैंने पूर्व में भी एक दिया था स्टेटमेंट, उसमें बताया था कि भाई लोगों का ध्यान वातावरण बहुत तेज़ी का है, मगर तेज़ी कब बनती है? जब मालूम की आवकें कम हो जाए, लिमिटेड आवक हो, माल का भरावा होता जा रहा है। जब से नया माल आना चालू हुआ है 2000-3000 बोरी जो रोज आ रहा है उसके तहत हर आदमी का स्टॉक जिसको लेना था सब ले चुके हैं, लेते जा रहे हैं। गीला जिस भाव में था उस भाव में सूखा हो गया अभी। अच्छा, अभी ऐसे हाँ, अभी तो अभी बाजार मगर स्टैंड है। अभी क्या हो रहा है, बाजार अगर घटेगा तो ही नहीं, बढ़ेगा नहीं तो घटेगा नहीं, मगर अब ये हाँ स्थिर बाजार हो गया है। माल की आवक अच्छी है, बाहर जो भी माल को सेल करने वाले किराने के व्यापारी होते हैं, चाहे दिल्ली हो, गाज़ियाबाद हो, कि बम्बई हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इधर क्या होता है कि सब लोगों ने अपना नया माल आते हैं और अपनी दुकान का जितना भी साल भर की खपत होती है उतना माल ले चुके होते हैं। अब ऐसे में इसको कौन रोज कौन झेलेगा? तो अभी हाल ये जरूर है कि जो जो रह गए कि भाई नवल जी मित्तल की गाड़ी जा रही है एक्सप्रेस, ये तो निहाल हो जाएंगे 125 में, तो मैं रह जाऊंगा कहीं, तो वो भी ले रहा। ऐसे में सब होड़ा होड़ में तो लगे हैं, मगर अब ऐसा क्या, जो पैसा लगाएगा हो सकता है उसका नसीब अच्छा हो तो तेजी भी आ जाए, ये उसके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। मगर माल अच्छा भरपूर पैदा हुआ है, जो बात वातावरण बनाया था कि माल पैदा ही नहीं हुआ ये गलत है। 50-50 हज़ार बोरी मंडियों में आ रही है, 1,00,000 बोरी मंडी में आ रही, कुंडल में 80-80 हज़ार बोरी है, रामगंज मंडी में 33,000 बोरी मंडी में माल आ रहा है, 3,000 बोरी मंडी नीमच में आ रहा है। ऐसे में माल पैदा नहीं हुआ ये धारणा गलत निकल गई। स्टॉक पुराना है ये भी कन्फर्म है, मगर वातावरण तेजी का है कि 10 जने बैठे रहते हैं उसमें, अगर एक आदमी मद्दी वाला भी हो तो वो 10 जने में 9 जने में जब बैठेगा तो मद्दी को भूल जाएगा, तुरंत तेजी में आ जाएगा। ऐसे में व्यापार का खेल ऐसे ही होता है, व्यापार तेजी मंदी ऐसी चलती है। लोग 4 आदमी बैठोगे तो मद्दी सूझेगी, 4 तेजी बैठ जाओगे तेजी सूझेगी। अभी धनिया स्थिर है। तो आगे कब तक इसमें उठाव आएगा या डाउन जा सकता है, क्या होगा अब ये तो आने वाला दिनों, एक अनुमान आपका, मतलब अपन ये नहीं कह रहे कि फैक्ट बता रहे हैं, अनुमान अपना एक आकलन देता है ना। ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये क्वेश्चन मेरे व्यापारी भी मुझसे, जो बाहर हम व्यापार करते हैं बोलते हैं, तब मैं उनसे कहता हूँ भाई भेरू भाव जी कहीं चूकी चाकी हो तो उनसे पूछताछ करो, जो लोगों की उम्र बताते हैं मगर खुद तो मर जाते हैं दूसरे दिन। अब इसलिए क्या होता है, इसका ध्यान सबका खाली जिनने माल लगाया है छाती के नीचे रख रखा है उनका ध्यान तो बहुत तेज है, क्योंकि उनके पास अब माल है, उनके सामने आप मद्दी की बात करोगे तो सुनाएगी नहीं। और जिनके पास माल नहीं है वो तेजी के लिए बैठे हैं, ले रहे हैं माल। अब धनिया है, देखो 80 रुपये का धनिया आज 80-90 रुपये का, और बढ़िया माल आपके सामने भी 11-11 हज़ार का ढेर बिका गया ग्रीन, जो 13-14 हज़ार थे। अब ऐसे में इस पर बिट खेलना, जो लोग खेल सकते हैं वही खेलते हैं, नया आदमी तो बिट खेलेगा नहीं, क्योंकि 60-70 की इसकी होती है जब मजदूरी होती है, 50-60 रुपये का धनिया जब लेते हैं जिस साल व्यापारी कमाते हैं। अब 100 रुपये का धनिया लेके क्या कमा लेंगे, ये किस्मत की बात है, मगर व्यापार तो ऐसे ही होता है भाई, लोगों का ध्यान तेजी मंदी का होगा तब व्यापार होगा। मांग कैसी क्या लग रही है बाहर एक्सपोर्ट में? नहीं, जब कीमत ऊंची हो जाती है तो निश्चित रूप से डिमांड भी कम हो जाती है, उपभोक्ता कम हो जाता है। आज पोस्ता दाना जब 150 रुपये 200 रुपये 15,000 रुपये 1,50,000 रुपये जब बिकता है, ऐसे टाइम पे उसके खाने वाले कम हो जाते हैं, तो 50 ग्राम भी काम चला। अपन भी आज घर में अपने कोई चीज़ महंगी हो, जीरा बहुत महंगा था 600 रुपये किलो था, तो लोग 1 किलो की जगह 1/2 किलो में काम चला रहे थे, तो ऐसे क्या मांग भी कम हो जाती है। और मांग पूर्ति का नियम है, तो मांग ज़्यादा हो जब जाके बाजार तेज चलता है। अभी मांग इतनी जोरदार नहीं है जितनी आवक जोरदार है, ऐसे में अभी स्थिर हुआ है बाजार, अभी स्थिर है। रोजाना नीमच का जो आवक कितनी होती होगी और क्या न्यूनतम और क्या अधिकतम जाता है? अभी न्यूनतम 6,500 रुपये का भाव है धनिया का, 60 रुपये किलो, ऊपर में है 11,000 और 2-2,500 बोरी तो मिनिमम अमूमन आ रही है मंडियों में, जब से चालू हुई मंडी 3-4 हज़ार बोरी भी आई है, मगर अभी आज भी 2,500 बोरी 2,500 बोरी 3,000 बोरी माल बराबर आ रहा है। अब ये बराबर अगर अप्रैल आता है तो मई जून में काफ़ी गर्मी पड़ती है, फिर बाजार में जिन जिन ने माल लिया इनकी 1-1 किलो 2-2 किलो की घटती भी आ जाती है, इसलिए इतना मोटा कोई मुनाफा नज़र मुझे तो आता नहीं है, मगर सब जो पैसा लगाएगा वो कमाएगा साहब, इसमें मेरा तो कोई कसूर है नहीं। और ये तो व्यापार है, इसका कोई पार नहीं है, जो खेलेगा वो कमाएगा, बाकी का देखेंगे। खुला मैदान है। हाँ, खुला मैदान है। अब सभी जिनसों में यही स्थिति है, चना भरपूर पैदा हुआ, चने की आवा कि 4-4 हज़ार बोली, 50 रुपये का चना लगाया लोगों ने 2-2 साल भी रखा था, गवर्नमेंट अलग खरीद रही है, रायड़ा 50 रुपये का है, सोयाबीन लोगों से 100 रुपये की नहीं बेची गई थी, आज 45-50 रुपये में सोयाबीन बिक रही। ये तो क्या होता है, लोगों का ध्यान रहता है, कल्डे भी बहुत रहते लोग,
अब ये धनिया 200 बिक जाए तो भी मिलेगा आपको, और 400 हो जाए तो भी मिलेगा। लोगों के पास माल कम नहीं होता है, लेवाल बेचवाल अलग स्थिति बन जाती है, मगर माल का काल कभी नहीं पड़ता है। माल का काल नहीं है, माल का काल नहीं। किसान जब तक पेशेंट खेती पैदा करेगा माल तो मिलेगा, भाव बाजार ऊंचा नीचा हो जाओ भले, मगर माल मिलता है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जय नवल जी मित्तल जिन्होंने कहा कि माल तो भरपूर है और उसको बस तेजी मंदी हो सकती है, आने वाला समय ही तय करेगा कि धनिया किस करवट बैठता है। फिलहाल जो हालात है वो स्थिर है और इससे अभी ना नुकसान कहा जा सकता है ना मुनाफा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में तेजी आ सकती हो। विजित महाडिक, मार्केट टाइम, नीमच।